इस्लामाबाद पुलिस ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहजादी कौसर गिलानी को गिरफ्तार कर लिया। इन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आसिफ अली सरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत कबलस गिरफ्तारी की समाप्त के दौरान नारे लगाने और शोर शराबा करने का इल्जाम आयद किया गया है। बिलाल वर्क की रिपोर्ट में जानिए। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की दरखास्त जमानत की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इदारों के खिलाफ नारे लगाने पर खातून रहनुमा पीपल्स पार्टी शहजादी कौसर गिलानी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। खातून रहनुमा ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस अफसरान ने उनसे बदतमीजी की। मैं अंदर गई हूँ, दो पुलिस अफसरान थे बड़े, मुझे उनका नाम पता नहीं, मैं उनका नाम पता कर रही हूँ। उन्होंने मेरे साथ इंतहाई बदतमीजी की और पुलिस जो वुमन पुलिस लेडीज है उनको 40-50 बुलाई है, गाड़ी खड़ी की है कि इसमें डालो और ले जाओ। मुझे इस चीज का दुख है कि उन्होंने बदतमीजी क्यों की है। शहजादी कौसर गिलानी ने इस्लामाबाद इंतजामिया के असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रियल एरिया वसीम खान पर धावा बोल दिया और जूता भी फेंका। खातून पुलिस एहलकारों ने खातून जियाली को पुलिस वैन में बिठाकर थाने मुंतकिल किया। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की पेशी के मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और गैर मुतलका अफराद को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। बिलाल विर्क 24 न्यूज़ इस्लामाबाद।